One long breath into the straw for me. तो भाई ये है दूसरा पार्ट कैंपिंग सोलो का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट जाके देखो, फिर ये आके देखो। ऐसा नहीं कि पहला देखा ये नहीं देखा, ये भी देखना है। और अमेजिंग बीच मैन। हमारा रास्ता ख़राब हो गया है। मैं ये कॉन्टम्पलेट कर रहा हूँ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। थोड़ा जाके देखते हैं फिर। यार आगे रास्ता नहीं है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि नो योर लिमिटेशंस बिकॉज यू आर सोलो। अगर कुछ हो गया तो आपके साथ कोई नहीं है। मदद के लिए भी कैसे बुलाए बंदा। तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। अब बीच जाएंगे, बीच में मज़े करते हैं। तो बेसिकली एस्चुरी ऐसी जगह होती है जहाँ बीच और लेक एक साथ मिलते हैं, तो वो एक अलग सी वाटर बॉडी फॉर्म करते हैं। तो मुझे वो देखनी थी लेकिन क्योंकि रास्ता आपने देखा ख़राब था तो हम अभी बीच जा। अभी ये शॉट के लिए ना मैं ऊपर गया। जो व्यू है ना भाई ऊपर से, आह हो क्रेजी मैन, आई कांट टेल यू। मुझे नहीं लगता कैमरा वो जस्टिस कर पा रहा है जो मैं देख रहा हूँ। ये लवली मैन, लवली। और ये जाया जा रहा है। कहते हैं ना, कुछ जगहों की खूबसूरती लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये वही जगह थी। कभी देखा बीच की मिट्टी बिल्कुल मतलब जमीन जैसी हो। किसी किसी जगहों से वो टूट रही है लेकिन किसी किसी जगह पे बहुत सख्त है, जैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। कभी मैंने नहीं ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया यार। ओह पूरे बीच पे ना पीछे बहुत दूर कुछ लोग हैं, बाकी मैं ही हूँ। दूर तक कोई भी नहीं है। Worth it. Solo camping, worth it. भाई अब हमें जाना है वापसी कैंपसाइट पे। जहाँ से हम आए थे वो मैं पीछे छोड़ गया। मैंने बोला कोई नया रास्ता लेंगे वापसी जाने का, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं, जाना पड़ेगा लेकिन चलते हैं।
मच्छर ऐसे ख़तरनाक तरीन है ना यहाँ पे, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि काटना शुरू हो गए। क्योंकि बीच है तो समझ में भी आता है, और लेक भी है पीछे तो बिल्कुल समझ में आता है मच्छर तो होंगे ही ना। अरे हट गया, और मच्छर और मेरा कुछ अलग ही नाता है कुछ, मतलब बोलते हैं ना मीठा खून, स्वीट स्वीट एज शुगर। मेरे पास मॉस्किटो रिपेलेंट है लेकिन वो कैंप साइट पे, मैं लेकर नहीं आया, मुझे नहीं पता था ऐसे होंगे। मच्छरों ने मुझे यहाँ पे लव बाइट्स दे दिए और पाँव पे अलग काटा है। रुकना नहीं था वहाँ पे, गलती हो गई, दो तीन जगह काटा है यार, मतलब नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः, हालत हो गई। भाई हमारा चिकन बन गया है, बहुत अच्छा बना है, और यही हमारा लंच भी है डिनर भी है, बना मस्त है, मैरिनेशन मैंने जो की है ना। तो भाई थोड़ा रेस्ट किया और खाना खा लिया अच्छे से, और अभी आप देख सकते हो आस्ते आस्ते अंधेरा हो रहा है, मैंने भी चेंज करके भाई लंबी पैंट्स पहन ली है क्योंकि इस टाइम पे मच्छर अभी शुरू हो जाएंगे आना, और अभी आग लगाएंगे और बस रिलैक्स, अब रिलैक्स करना है और टाइम लैप्सिस तारों के। वैसे क्लाउडी वेदर है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट यही फ़िलहाल तो यही सीन है। अब आग लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई, एक तो गर्माइश देती है, दूसरी बात लाइट भी देती है, तीसरी बात धुआं फेंकती है जो जिससे मच्छर भाग जाते हैं। फुल अंधेरा हो गया अभी कुछ 6 बज रहे हैं, और कल मैं इसी टाइम पे आया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस अंधेरे में मैंने टेंट भी पिच किया है, खाना भी बनाया था, आग भी लगाई थी और सब कुछ कर लिया था कल, तो हो जाता है यार, वही बोल रहा हूँ, अकेले अगर आना है तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, सीखता है बंदा इसी तरह। इस वक्त कुछ 9 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ लेक के पास टाइम लैप्स लेने, और जंगलों में से निकल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है लेकिन टाइम लैप्स और जो तारे बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, तो उम्मीद है टाइम लैप्स अच्छा आएगा। ये हमारा कैमरा लगा हुआ है, टाइम लैप्स ले रहा है, और अभी मैं वापस कैंप साइट पे जाऊंगा, 2 घंटे बाद वापस आऊंगा, इसको निकालूंगा, तब तक ये टाइम लैप्स ले लेगा। थोड़ी थोड़ी फट रही है यार, वापस भी आना है, वापस जाना है। कोई जानवर सामने आ जाए, कोई सांप दिख जाए या कोई जानलेवा कीड़ा, खतरे बहुत थे लेकिन इस कीमती नज़ारे के लिए इतना तो कर ही सकता है बंदा।
बहुत ठंडा पानी है यार, मज़ा आ गया। हाँ तो रात को अच्छी नींद हुई है, अभी बस पैक करेंगे निकलेंगे। एक चीज़ जो मैंने कैंपिंग पे सीखी है ना वो ये है कि भाई कुछ पीछे नहीं छोड़ना, क्योंकि यार वाइल्ड लाइफ का भी तो एहतराम करना होगा ना यार। पता चल रहा है कि पैक थे, कैंप के नीचे पड़े हुए थे। पड़े थे पैक। भाई सारी पैकिंग हो गई है, सिर्फ अभी बचा है हमारे जूते जो मैं पहनूंगा और फिर बस निकलेंगे। बहुत यादगार सफर था, आने वाले बहुत से सफर की शुरुआत है ये। Good, how are you? Good, thank you. Just a breath test today. One long breath into the straw for me. Not too bad, how are you? Yeah, good. Must be out in the sun? Yeah, pretty good. Yeah. Did you catch some people or? Not yet. Yeah, we haven't been here for long. Okay, that's good. We'll see how we go the rest of the day. Right, once these guys move on, you're good to go. Thank you. You're all good straight through, thank you. Thank you. भाई लग रहा है किसी को पकड़ा है। बस ऐसे गाने सुनो और घर जाओ, और क्या चाहिए। चलो भाई हमारा व्लॉग यहाँ होता है ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर।